नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाए। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप तारों को कम ज़्यादा करके स्पीड को कम ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो दोस्तों, बहुत से भाई ये समझते हैं कि ज़्यादा तार डालने से मोटर के अंदर स्पीड बढ़ जाती है और कम तार डालेंगे तो मोटर की स्पीड घट जाती है, लेकिन इसका उल्टा है। ठीक है, हम मोटर के अंदर अगर तारों को कम करते हैं तो स्पीड बढ़ती है, आरपीएम बढ़ते हैं। ठीक है, तारों को घटाने पे, अगर हम तारों को बढ़ाते हैं तो स्पीड मोटर की कम होती चली जाती है। ठीक है, तो उसका जस्ट उल्टा है। तो किस तरह से हम तारों को कम और ज़्यादा कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हम समरसिबल मोटर की। ठीक है, समरसिबल मोटर जो होती है, सब में अलग अलग डेटा होता है। सिंगल फेस में अलग है एचपी के हिसाब से, थ्री में अलग है एचपी के हिसाब से, जो भी गेज भी और टर्न भी। तो अगर आपके ट्यूबवेल पे बिजली की प्रॉब्लम है, बिजली कम आती है, तो आप अपनी, अगर आपकी मोटर कम फुहारे बना रही है, कम प्रेशर दे रही है, तो आप उसके टर्नों को कम कर सकते हैं और मोटर को सही स्पीड पर चला सकते हैं। जैसे आपकी मोटर की स्पीड है 2880 आरपीएम समरसीबल का, और आपको प्रॉपर बिजली नहीं मिल रही है और उसको स्पीड मिल नहीं पा रही है, पूरे 2880 आरपीएम नहीं मिल पा रहे हैं, तो आपको एक काम करना है। अगर आपकी मोटर के अंदर 20 टन है, ठीक है, अगर 20 टन है तो आप 4 टन तक कम कर सकते हैं। 4 वैसे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे कम, उससे फिर ये होगा, मोटर तो आपकी सही स्पीड पर चलेगी, बट वो फिर अगर पूरी लाइट किसी दिन उसको मिल जाती है तो मोटर आपकी जल जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आपकी मोटर के अंदर, अगर आपके पास मोटर के अंदर 20 टन है, तो आपको 18 टन कर सकते हैं, 2 टन कम कर सकते हैं। हर कॉइल के अंदर 2 टन कम होंगे तो आपकी मोटर प्रॉपर स्पीड पर चलेगी कम बिजली में। ठीक है, अगर बिजली पूरी आ रही है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और समर्सिबल मोटर में हिसाब के ही तार डलते हैं, फालतू के डलते भी नहीं है। तो उसमें आप तारों को बढ़ाना चाहते हैं, आपका मन कर रहा है कि इसका बढ़ा दे थोड़ा सा, तो इसका फायदा ये होगा, बिजली पूरी आ रही है आपके पास और आप उसको बढ़ाना चाहते हैं तारों को, तो उसका फायदा, बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि मोटर की स्पीड पे तो फर्क नहीं पड़ेगा। समरसिबल मोटर है तो स्पीड पर, बढ़ाने पर स्पीड पर फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा एक दो पॉइंट का, लेकिन उसमें तार फालतू के बढ़ते भी नहीं है, वो डेटा के हिसाब से उसके स्लॉट बनाए जाते हैं। ठीक है, कंपनी स्लॉट तैयार करती है कितना तार इसके अंदर डालना है। हाँ, कम कर सकते हैं, उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं अगर बिजली आपके पास कम है। अगर आप टर्न एक दो बढ़ा भी सकते हैं, अगर डेटा में मान लीजिए 20 टन है, अब अगर आप 22 कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट ये मिलेगा, पूरी बिजली आ रही है तो बेनिफिट ये मिलेगा कि आपकी मोटर जलेगी नहीं और ताकत भी वो ज़्यादा लगाएगी। ठीक है, अच्छी चलेगी, वो जलने के चांसेस कम हो जाएंगे। लेकिन अगर आप टर्न घटा देते हैं, जो डेटा में 20 दे रखे हैं, आपने 2 कम कर दिए, 3 कम कर दिए, आप कम कर देते हैं तो इसके जलने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, आप कम तब कर सकते हैं जब आपको मोटर पूरी स्पीड नहीं ले रही है, बिजली कम है, बिजली कम की वजह से स्पीड नहीं ले रही तब। ठीक है, तो ये तो बात हुई समर्सिबल मोटर। इसमें आप 2 टर्न बढ़ा सकते हैं, दो टर्न कम कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 2 से 4। ठीक है,
बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते आप। तो ये तो थी समर्सिबल मोटर की बात। टर्न घटाएंगे तो स्पीड बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक है, पर 2 से 4 तक आप घटा सकते हैं। और दोस्तों अब बात करते हैं फर्राटा मोटर की। फर्राटा यहाँ पे हमारी एक तो चैन वाइंडिंग हमने कर रखा है और एक सिंपल वाइंडिंग है। तो देखिए फर्राटा में स्पीड क्यों नहीं आती, कारण ये होता है आपने डेटा भी ठीक लगाया है और कई बार स्पीड नहीं आती। तो कारण कई बार ये हो जाता है, आप एक तो ये वाइंडिंग देख रहे हैं और एक वाइंडिंग आप ये देख रहे हैं, तो आपको यहाँ पे ये वाइंडिंग आपको बड़ी दिखाई दे रही है, बाहर निकली हुई दिखाई दे रही है, काफी लंबी है। तो दोस्तों इसका जो बाहर निकला हुआ जो हिस्सा आप देख रहे हैं, इसमें टर्न मतलब कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। प्रॉब्लम ये आती है, मोटे तारों में रेजिस्टेंस का इतना फर्क नहीं होता, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस का फर्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पे टर्न इसके ज़्यादा ही हो गए हैं। अगर बात करें समर्सिबल मोटर की, तो उसके तार जो होते हैं तो उसमें रेजिस्टेंस नहीं होता, ना के बराबर होता है, लेकिन इसमें रेजिस्टेंस बनता चला जाता है। तो रेजिस्टेंस बनने के कारण, बढ़ने के कारण वोल्टेज की कमी आ जाती है, तो उसके कारण मोटर की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। फर्राटा फैन में, कूलर में, मधानी में, जो बारीक तार वाली मोटर उनमें, तो उसके अंदर आपको एक प्रॉपर फिट वाइंडिंग देना होता है, फिट वाइंडिंग, ठीक है। जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं, जितनी टाइट वाइंडिंग आप करेंगे, जितनी छोटी कॉइल इसमें डालने की कोशिश करेंगे, उतनी ही स्पीड ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। तो वो टर्न की ही बात हो गई। अब बात करते हैं कि आप इसके टर्न को भी कम करके स्पीड, जैसे इसके अंदर मान लीजिए हमने हर कॉइल में 250 टर्न डाले हैं, तो 250 टर्न 220 वोल्टेज के लिए मान लीजिए डेटा में 250 टर्न है, ठीक है। तो आपको अगर स्पीड नहीं मिल पा रही है, वोल्टेज की कमी है, स्पीड नहीं मिल पा रही है, या हो सकता है कि आपने वाइंडिंग थोड़ी लंबी कर दी है, कॉइल थोड़े ज़्यादा बड़े बना दिए, स्पीड नहीं मिल पा रही है, तो उस कंडीशन में आपको करना क्या चाहिए कि या तो कैपेसिटर बढ़ा दो। कैपेसिटर बढ़ाओगे तो प्रॉब्लम ये होगी कि आपका जो आपने कैपेसिटर लगाया है वो वाली कॉइल कुछ दिनों में जल जाती हैं, और अगर आपकी वाइंडिंग ठीक नहीं है तो कैपेसिटर से भी वो स्पीड आपको नहीं मिल पाएगी। तो आपको टर्न ही कम करने पड़ेंगे, ठीक है, टर्न ही कम करने आपको पड़ेंगे अगर आपके पास वोल्टेज पूरा नहीं है। तो आपको कम से कम 20 से 30 टर्न, 50 टर्न तक आप ऊपर नीचे कर सकते हैं फर्राटा के अंदर, ठीक है, 20 से 50 टर्न ऊपर नीचे आप कर सकते हैं फर्राटा के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। समर्सिबल मोटर में 2 से 4 टर्न ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही कूलर मोटर है, कूलर मोटर के अंदर आप 10 से 15 टर्न ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर मोटर कम चल रही है, कम स्पीड है वोल्टेज की वजह से, या एल्यूमिनियम वाइंडिंग आपने की है, तो आप टर्न को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, ठीक है। तो टर्न कम करने से स्पीड बढ़ती है, टर्न बढ़ाने से स्पीड कम होती है, ये चीज आप ध्यान रखिए। बड़ी मोटरों के अंदर टर्न बढ़ाने से इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टर्न कम कर देने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो उसमें टर्न आप 2 से 4 टर्न ही आप ऊपर नीचे कर सकते हैं बड़ी मोटरों के अंदर। जैसे चक्की मोटर है, उसमें आप 5 से 7 टर्न ऊपर नीचे कर सकते हैं, 5 टर्न ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है, स्पीड कम मिलती है। तो उसमें तो स्टार डेल्टा, वो जो कनेक्शन होते हैं ना, सॉरी स्टार नहीं, डेल्टा कनेक्शन होता है, एक सीरीज का कनेक्शन होता है, तो उससे आप स्पीड को मैनेज कर सकते हैं। अगर आपने सीरीज में कनेक्शन कर रखे हैं, स्पीड कम मिल रही है, तो आप उसको पैरलर में कर सकते हैं,
उसको डेल्टा भी बोलते हैं, तो पैरेलल में उसको कर दें, स्पीड अच्छी मिल जाएगी, अच्छी पावर ताकत मिलेगी अगर वोल्टेज कम है तो। अगर आपका वोल्टेज बहुत ज़्यादा है और मोटर हीट हो रहा है, पैरेलल में कनेक्शन है, तो उसे आप सीरीज में कर सकते हैं, उससे स्पीड मैनेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये कर सकते हैं आप। अगर आपके पैरेलल कनेक्शन है या पैरेलल कनेक्शन में भी आपको स्पीड नहीं मिल रही है, फिर आपको टर्न कम करने पड़ेंगे, डेटा में आपको बदलाव करना पड़ेगा। गेज आपने सही डाल रखा है, लेकिन टर्न आप वोल्टेज कम होने की वजह से आप टर्न कम कर सकते हैं, 5 से 7 टर्न कम कर लीजिए। 5-5 टर्न भी आप कॉइल में करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको देखना है, वो चीज़ें देखनी पड़ती है कौन सी कॉइल में कितने टर्न कम करने हैं, ठीक है। हर कॉइल में अलग अलग टर्न होते हैं, तो वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। फिर ऐसे ही कूलर हो गया, फर्राटा हो गया, और मधानी मोटर हो गया, जितने भी फैन हैं उसमें टर्न थोड़े ज़्यादा होते हैं, बारीक तार होता है, या सीलिंग फैन हो गया, उसमें आप टर्न कम करके उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, या आप स्पीड को घटाना चाहते हैं, घटाएगा तो कौन चाहेगा कौन, पर घटाना चाहते हैं, आपके पास पूरी बिजली आती है या मोटर हीट हो रही है, तो उसका कारण ये हो सकता है कि इसमें टर्न कम डाल रखे हों, पहले ही कम हो, तो उसको आप बढ़ा लीजिए। फिर कई बार मोटर बार बार जलती है, तो उसमें टर्न को बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि इसमें टर्न कम होते हैं, तो वो चीज़ आपको देखना पड़ेगा डेटा के हिसाब से कि कितने कम हैं, कितने होने चाहिए और कितने कम हैं, क्या गेज है, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। मेरी वीडियो बनाने का मकसद यही था कि एक मिथ होती है, लोगों को लगता है कि टर्न बढ़ा देने से मोटर ज़्यादा ताकत लगाएगी, ज़्यादा तेज चलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका जस्ट उल्टा है। टर्न कम करने से मोटर तेज चलती है, ज़्यादा करने से मोटर स्लो हो जाती है, तो ये चीज़ें होती हैं। अगर आपको भी फर्राटा फैन स्लो चलता है, बार बार आप एक ही डाटा लगा रहे हैं स्लो आ है, तो आप डाटा को चेंज करिए, ठीक है, आप टर्न को कम करिए, ठीक स्पीड चलेगा। कॉइल को थोड़ा छोटा करिए, सेट करके उसको डालिए अच्छे से, लंबी कॉइल नहीं चलेगी, लंबी कॉइल बनाने से फर्राटा फैन में रेजिस्टेंस जो होता है क्या बढ़ता है, और फिर रेजिस्टेंस के कारण करंट की जो पूर्ति है वो कम होती नहीं है मोटर के अंदर, और फिर स्पीड कम हो जाती है। कई भाई पूछते हैं कि फर्राटा फैन में 3 स्पीड कैसे करें, तो उस पर भी मैंने वीडियो डाल रखी, काफ़ी सारी मोटरों पे, वाइंडिंग पे भी डाल सकते हैं, हम वाइंडिंग करके भी फर्राटा की ऐसी वाइंडिंग की मैंने अभी तक वीडियो तो नहीं डाली, लेकिन जुगाड़ बताया है कि कैपेसिटर लगा के आप डबल कैपेसिटर से कर सकते हैं, या फिर एक बाहर एक रेजिस्टेंस आता है स्पीड कम करने का बढ़ाने का, उसको उसका यूज कर सकते हैं, या फिर सिंपल एक तरीका है आजकल मार्केट में सीलिंग फैन वाला जो बटन आता है, उसको किसी भी फैन में लगा के उसकी स्पीड कंट्रोल किया जा सकता है, सबसे आसान तरीका है, किसी भी फैन में लगा सकते हैं, ठीक है। तो छोटी सी वीडियो है, ठीक है, तो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा मकसद बस यही था कि आपको ये बात समझ में आए कि टर्न कम करने से स्पीड बढ़ती है और बढ़ाने से स्पीड कम होती है, ठीक है। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ।